स्वागत है दोस्तों थोड़ा अपने चैनल तुरका व्लॉग्स दे विच। ते अज दी वीडियो नू स्टार्ट करन तो पहले एक रिक्वेस्ट आ भी इस चैनल दी बाकी वीडियोज़ नू भी जरूर देख लियो ते चैनल नू सबसक्राइब कर दियो। जे थोनू वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दियो। ते इस वीडियो च आपां गल करांगे कि आपां स्टडी वीज़ा तो बगैर आपां किदां स्टडी कर सकते कैनेडा दे विच विदाउट GIC पे किते हुए ते विदाउट 1 साल दी फीस पे किते हुए ते विदाउट आइल्स। ते स्टार्ट करते हैं जी, वीडियो में एंड तक जरूर देखियो। ते किदे किदे लई फायदेमंद है वीडियो भी जरूर दसांगे भी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ते सब तो पहला अपने सर्च करना है cic.gc.ca गूगल ते, जेड़ी कि कैनेडा दी ऑफिशियल वैबसाइट आ। ते इंग्लिश सिलेक्ट करके जब आप थले जावे तो उत्ते स्टडी का एक ओ आंदा, स्टडी के अंदर आप जब जाने तो इतने सारी डिटेल्स दी होंगी। आपने करना है गैट अ स्टडी परमिट कि आपको स्टडी परमिट चाहिए आ, लेकिन वो अंदर ही इन्होंने दसिया हुआ कि विदाउट स्टडी आप कि जा सकते हैं। तो आपने जाना आ हू कैन अप्लाई इस तो अगले पेज पर, तो सारा कुछ स्टडी के रिलेटेड दसिया हुआ इन्होंने। आपने दबना आ हू कैन अप्लाई वाला बटन, तो थले जाओगे तो थले ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं जेड जिन्होंने स्टडी परमिट की लोड़ होंगी है उन्होंने लिए। तो ये थले ही आप जो जाने तो थले लिखे आता है पीपल हु डोंट नीड अ परमिट टू स्टडी इन कैनेडा, भी जिन्होंने स्टडी वीज़ा की लोड़ नहीं हैगी किड़े होंगे ने, वो होंगे ने जोड़े शॉर्ट टर्म स्टडीज़ लेके जाते हैं, जोड़े कि 6 या 6 मंथ तो घट की स्टडी लेके जाते हैं, उन्होंने स्टडी वीज़े की लोड़ नहीं होंगी। जोड़ी भी थोड़ी स्टडीज़ का पार्ट वो किसी बड़ी स्टडीज़ का पार्ट नहीं होना चाहिए, जोड़ा भी थोड़ा कोर्स है वो कोर्स थोड़ा 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए, तो तुम्हें स्टडी वीज़े की लोड़ नहीं होंगी। लेकिन ये चक्कर ये है भी आपू जो स्टडी वीज़े की लोड़ नहीं हैगी तो आपां एंटर कर सकते हैं। उदे लई दो ऑप्शन ने, एक तो पहला तो हैगा ETA अपना इंडिया का पावर, इंडिया का पासपोर्ट इन्ना पावरफुल नहीं है कि आपको ETA मिले, ETA कैनेडा इंडियंस नू दंदी नहीं। तो दूजी गल है विजिटर वीज़ा, विजिटर वीज़े पर आप जा सकते हैं, एक कैटेगरी भी होंगी है विजिटर वीज़े के अंदर होर कैटेगरीज के नाल जिहड़ी कि टूरिज्म या बिजनेस या फिर आप फ्रेंड्स नू मिलन चले हैं, फैमिली नू मिलन चले हैं, किसी प्रोग्राम से चले हैं, फेयर अटेंड कर चले हैं, उसके अलावा भी एक कैटेगरी भी होंगी है शॉर्ट टर्म स्टडीज़। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ LMIA ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਆ ਆਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ
चैकलिस्ट डाउनलोड करते हैं विजिटर वीज़े की, तो वो अंदर ये देखो इन्होंने भी शो किया है शोर्ट टर्म स्टडीज़ के लिए जेडे आप विजिटर वीज़ा चाहिए होंगे आ, तो वो की डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ने। सब तो पहले नंबर तो उही आ जाता जिहड़ा मैं तुहानू दस्या भी ऑफर ऑफ असैप्टेंस लैटर ऑफ असैप्टेंस किसी भी कॉलेज तो डेजिग्नेटेड कॉलेज होना चाहिए कैनेडा के अंदर। तो उस तो बाद आ जाता है कॉपी ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा जिहड़ी तुहाडी कोई भी स्टडी की हुई होवे इंडिया दे विच डिग्री जो भी उहदे डॉक्यूमेंट्स। तो तीजा आ किसी भी तुहाडे जिहड़ा ये पैसे आ भी कौन पे कर रहा। तो चौथे नंबर पर थोड़े साइंड पेरेंटल पेरेंट्स के जोड़े भी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे ने, थोड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे ने या उन्होंने भी की स्टेटस आपीज़ लगदिया ने। तो चौथे नंबर जो लास्ट आता है बैंक की डिटेल्स, तुम्हें 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट बैंक तो वेरीफाइड होनी चाहिए आ ला सकते हो। तो उहदे च लिविंग एक्सपेंस 6 महीने का तुम दिखा सकते हो 3 से 4 लाख रुपया या जिनी थोड़ी जॉब आ तो उस हिसाब नाल दिखा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ने, तो सब कुछ जेन्युइन आ, तुम कैनेडा की वैबसाइट पर जाके चैक कर सकते हो। सिर्फ यदा एक ही नुकसान है कि आप 6 महीने का जोड़ा ये मिलता है आप वर्क नहीं कर सकते उहदे लई, पर लेकिन लोग कर ही लैंदे। एक ये भी फायदा है कि जोड़े ये कोर्स होंगे ने 6 या 6 महीने तो घट वाले 30,000 तो लेके लख तक 1.5 लाख तक वैसे तो वाधे देंगे, लेकिन आप घट पैसे च भी बाहर जा सकते हैं स्टडी भी कर सकते हैं कैनेडा दे विच। इहदे च खर्चा बड़ा घट हुंदा आ, ते एजेंट भी ये नहीं दसदे क्योंकि उन्होंने कमीशन नहीं आउंदी, तां करके गल सारी ये आ। लेकिन जे तुहानू ये वीडियो पसंद आई हो, जे तुहानू इनफॉर्मेशन वधिया लगी हुई है तो प्लीज़ इसनों शेयर जरूर कर दिओ अपने फ्रेंड्स नाल।